कलेक्टर बने इतना किस किस की दहेज लेंगे, उनका आदर्श क्या है? जो लोग लोकतंत्र के खिलाफ फैसलों पर साइन कर रहे हैं, 90% ये दहेज लेने वाले अफसर वहां बैठे, उनका ईमान, उनका गैरत, उनका डेमोक्रेसी में कैसे है भाई? वो तो रोज अपने आप से डरा हुआ आदमी है, वो तो किसी भी हुकूमत और किसी भी सवाल से डर जाएगा। इसीलिए कहे सवाल करने की नई संस्कृति आ गई। वेल डन बॉस, वेल डन। भगत सिंह ने बहुत बड़ी गलती कर दी, सवाल कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने सवाल करके गलती कर दी, गांधी जी ने सवाल करके गलती कर दी। तो क्या कोई विचारधारा, कोई पार्टी, कोई सरकार ये अंतिम रूप से ऐलान कर सकती है कि वो उसका अंतिम सत्य मिल गया? वही विचारधारा अंतिम सत्य है। एक तो सब एक दूसरे के फोटो कॉपी हो गए हैं, सारे के सारे। ये एक भयावह स्थिति है जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे पेशे में उससे भी ज्यादा भयावह स्थिति है। आप अपने सहयोगी से कोई चीज शेयर नहीं कर सकते। जो इस पेशे के लोग मिलते हैं वो अब पार्टी लाइन के आधार पर आपसे संबंधों को तय करने लगे, खबरों को छुपाने लगे। उनसे जिनसे आपका बहुत व्यक्तिगत संबंध है, उनसे जिनसे आपका वर्षों से भावनात्मक संबंध है, बड़ा टूट गया है, बहुत टूट गया। जिनके साथ 24 घंटे का संबंध रहा रात दिन, वो लोग तट बदल गए। वो लोग इसके आधार पर संबंधों को अब निभाने लगे, बात नहीं करते, हेलो हाय नमस्कार तक नहीं। ये कितना भयावह है ये रिजेक्शन, सोचिए। जिसके साथ आप दिन रात उठते बैठते हो, लाख झगड़ा हो जाए, आते जाते गुजरते एक मुस्कान का तो कम से कम आप क्लेम करते ही, आज से नहीं तो कम से कम परिवारों से आप घरों में आते हैं। इसका मतलब ये ममालीकरण जो है राजनीति के एक हिस्से का वो कंप्लीट हो गया दोस्त। अब वो दोस्त कभी वापस लौट के नहीं आए, वो चाहे न्यूज रूम में है, चाहे हमारे रिश्तेदारियों में है, चाहे वो हमारे मोहल्ले में रहता हो, चाहे उससे कई तरह के रिश्तेदारी, सारे के सारे लोगों को एकाएक करते हुए बदलते हैं। वैसे में अपने आप को रोज टेस्ट करना पड़ता है कि आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हैं क्या? इतने लोग ये क्यों बदल? क्या मैं कोई गलत सवाल कर रहा हूं? क्या मैं कोई नाजायज सवाल कर रहा हूं? मैं सवाल करने से ज्यादा इस बात को ज्यादा सोचता हूं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक दौर है कि जनता का स्पेस छोटा होता जा रहा और ये फैन नामक गुंडों का स्पेस, नाम बहुत शरीफ वाला है, नाम आजकल अच्छे होते हैं, ट्रोल, ऐसा लगता है ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, ट्रोल है ये तो। बहुत सारे लोग तो दो साल तक जब तक ट्विटर नहीं छोड़ा था इसी चक्कर में थे कि इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। गुंडा मवाली कब से पार्ट ऑफ लाइफ हो गया भाई? घर में बिठा लो, बहुत सारे गुंडे घूम रहे हैं। सरकार को लिख दो कि जेल में जितने मवाली हैं उनको हमारे यहां भेज दीजिए, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, हम साथ ही में रहेंगे। तो उनको बिठा लिया, तो ट्रोल को नए नए शब्द आते हैं, फैन। राजनीति में हमने कभी नहीं सुना कि कोई नेता का फैन हो, अपनी मूर्खता का, अपनी बौद्धिक संपदा का इतना सार्वजनिक सरेंडर करते हुए लोगों को हमने नहीं। कई बार सोचता हूं कि ठीक है उन्होंने कोई जीवन का सत्य देख लिया हो तो इंतजार कर लेते हैं, देख लेते हैं। लेकिन मुझे दुख उन्हीं के लिए भी होता है जो लोग सुरक्षा के घेरे में पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि उनकी औकात इसलिए है कि हम जैसे लोग, और जिस दिन हम जैसे लोग 100% समाप्त हो जाएंगे उस दिन उनकी औकात समाप्त हो जाएगी, चार लाठी देकर भगा दिए जाएंगे। उनका जो पूरा बार्गेन पावर है वो हमारी वजह से, वो इसीलिए उनको सरकार के करीब रखा जाता है, बागों में बाहर में रखा जाता है, रखा जाता। मैंने तो कह दिया 1 जनवरी 2017 से मैं कोई सवाल ही नहीं पूछूंगा, एक पर्सनल पूछूंगा बनियान का ब्रांड क्या, बस जर्नलिस्ट थोड़ा तो इंट्रूसिव होगा, उसके बाद मैं कुछ नहीं पूछूंगा, मौसम कैसा है, हवा कैसी है, इसी तरह का। मैंने बोला जिसको इंटरव्यू देना वो आ जाओ, मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, बल्कि आप ही मेरे से सवाल पूछना कब आए कब खाए। मैंने कहा सर खाली है और खिला दीजिएगा और खा लेंगे,
गाड़ी वाड़ी दे दीजिएगा वो भी ले लेंगे सर, सब ले लेंगे। आप चिंता मत कीजिए, नैतिकता छोड़कर ये डराना बार बार। आपने पूछा, उन्होंने तो नहीं किया, आप उनके साथ आप ले लीजिए क्योंकि आप पूछ रहे हैं। अब वो जब भार विहीन अवस्था में गुरुत्वाकर्षण से मुक्त वक्ता बैठ के हवा में तैर रहे हैं जैसे चांद पे पहुंच गए बिना खर्चे, कम खर्चे। ये एक तनाव है कि सामाजिक जो बहिष्कार हो रहा है सर, वो बहुत डरावना है। आपके पेशे के लोग आपका बहिष्कार कर रहे हैं, आप अपने पेशे के लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते कि अगर आप व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं तो उस मैसेज कहां दिखाया जाए। लेकिन आपको सुनते सुनते ऐसा लगा कि यह अकेलापन जो आप महसूस कर रहे हैं, आपने कहा कि काफी अकेलापन होता है। मैं पिछले दो वर्ष से, खासकर दो ढाई वर्ष से, हिंदुस्तान में पाठकों और दर्शकों और श्रोताओं की प्रतिक्रिया को बहुत गौर